हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। अक्सर शहर के फंक्शन हालों में चोरी के वाकयात भी पेश आते रहते हैं। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक औरंगाबाद सवेरा पार्क के रहने वाले जकी अहमद ने इतवार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि 19 जनवरी को वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने चाचा के लड़की की शादी तकरीब में शिरकत के लिए देगलू नाका इलाके में मौजूद हैदर गार्डन फंक्शन हाल पहुंचे थे। इनकी बीवी खवातीन के सेक्शन में मौजूद थी। इनका लड़का रो रहा था तो इनकी बीवी बच्चे को समझाने के लिए अपना पर्स नीचे रखकर बच्चे से बातें करने लगी, तो उसी दौरान नामालूम खातून ने वो पर्स चोरी कर लिया जिसमें तकरीबन 37,000 रुपये के जेवरात मौजूद थे। इतवारा पुलिस स्टेशन में नामालूम खातून के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। नांदेड़ शहर के हड़को इलाके में फिर एक बार लुटेरों ने एक पैदल जा रहे शख्स को अपना निशाना बनाकर इनका मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक गोपाल चौड़ी भीम शंकर नगर के रहने वाले मधुसूदन बीड़कर ये गुज़िश्ता रात हड़को से अपने मकान की तरफ पैदल जा रहे थे। ढगे अस्पताल के करीब मोटरसाइकिल पर आए हुए तीन लुटेरों ने इन्हें खंजर की धाक दिखाकर इनके पास से तकरीबन 14,000 रुपये का मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। सिड़को ग्रामीण पुलिस स्टेशन में नामालूम तीन मुजरिमीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।